दोस्तों, तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस तरीके का हार्ट शेप का मेज पोस्ट। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत इजीली है एंड इसे हम बचे हुए ऊन से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो आपके पास जिस भी कलर का ऊन बचा हुआ हो आप उसे ले लीजिए और इस तरीके से 10 नंबर क्रोशिया से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा, हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे एंड फर्स्ट वाली चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से। तो ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बन गए हमारे। तो अब हम यहाँ से वर्क को टर्न करेंगे एंड 3 चेन लेंगे एंड सेम जगह से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब हम एक चेन लेंगे और फिर ये जो हमने यहाँ पे लिया था चेन, उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से हो गया एंड अब हम वर्क को टर्न करेंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे एंड सेम जगह से 3 डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए एंड ये 3 डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे एंड ये जो बीच का सेंटर आता है यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तीन डबल क्रोशिया हमारे ये कंप्लीट हो गए एंड फिर हम एक चेन लेंगे एंड यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन लिया था उसमें हम इस तरीके से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम 1, 2, 3 तीन रो हमारी हो गई है। 6 रो हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो हम आपको 6 रो इसी तरीके से सेम प्रोसेस करना है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, फिर सेम जगह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एंड फिर यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा हर राउंड में बढ़ता जाएगा। फर्स्ट राउंड में हमारा 1 था, फिर 2, फिर 3। इसी तरीके से हम, ये हमारे 3 राउंड हो गए हैं। अब हम 9 राउंड तक पहुंच के आपको दिखाते हैं। तो हम 9 राउंड बना के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राउंड हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारे 9 राउंड हो चुके हैं। तो अब हम आपको बताते हैं हार्ट शेप कैसे कट करना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ऊन को हाथ में लपेट लेंगे एंड क्रोशिया डालेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे जैसे बनाते थे, यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना था, तो यहाँ पे अब हम 3 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, हम यहाँ से इस पे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से।
हमारा इस तरीके से बढ़ रहा था, तो अब यहाँ से हम घटा रहे हैं क्योंकि हमें हार्ट शेप कट करना है। अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिया है एंड एक चेन, फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तो हमारा इस तरीके से हम फिर से बनाएंगे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 3 बना लिए हैं एंड 1, 2, 3 इधर। अब हमारा एक ये बचता है, तो अब हम यहाँ पे 1, 2, 3 तीन चेन लेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 हमने 3 चेन लिया। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ पे हमने घटाया था, तो हमें यहाँ पे भी नहीं बनाना है। यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और फिर यहाँ से ये जहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाते थे, यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, 1 डबल क्रोशिया बन गया इस तरीके से। अब हम वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे इसे स्किप कर देंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया बन गए। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब हम 5 चेन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5 हम 5 चेन लेंगे और जो हमने स्लिप स्टिच बनाई थी उसी के ऊपर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, अब फिर से हम 5 चेन लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिए एंड फिर 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, और यहाँ पे लास्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये हार्ट शेप बनता जा रहा है। एंड अब हम वर्क को टर्न करेंगे एंड 3 चेन एंड अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 चेन लेंगे और ये वाला जो हमारा चेन था यहाँ पे हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर हम 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद हमने जो बीच में स्लिप स्टिच बनाई थी
उसी के ऊपर हमें स्लिप स्टिच बना देना है। ये देखिए, ये देखिए, तो बीच वाले में ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया है। अब हम फिर से 5 चेन लेंगे, 5 चेन लेने के बाद हमारा यहाँ पे जो है डबल क्रोशिया चेन, उसी में हम स्लिप स्टिच करेंगे एंड फिर 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बना दिया हमने। अब हम यहाँ पे इस तरीके से 1 चेन लेने के बाद और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे एंड 1 चेन लेके सेम जगह से हम 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा हार्ट शेप इस तरीके से बन गया है। अब हम इसके राउंड शेप में डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये जो स्लिप स्टिच बनाई है, यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और स्लिप स्टिच के अंदर से हम इस तरीके से इनकम्प्लीट 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, तीनों को हम इनकम्प्लीट बनाए थे और ये चेन वाला एक फंदा और चारों को साथ में इस तरीके से करके एंड नेक्स्ट वाले में यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, और फिर यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और फिर 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। जो हम स्लिप स्टिच बना रहे हैं वहीं से हमें सेम जगह से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं एंड चारों फंदों को साथ में करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम आपको यहाँ तक बना के दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक बना के फिर आपको हम यहाँ का फिर नेक्स्ट रो बताते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पर हमें कॉर्नर में कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड यहाँ पे 3 चेन एंड 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। और फिर यहाँ पे एक साथ एंड फिर सेम जगह से हम 3 और बनाएंगे। ये देखिए, वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच नहीं बनाने हैं, 3 और बनाने हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारे बन गए। यहाँ पे ये हमारा थोड़ा बड़ा हो गया एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बना रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से बन गया एंड अब हमने जैसे इस तरफ बनाया, इस तरफ जैसे हमने बनाया, सेम प्रोसेस इधर भी करना है। तो हम आपको यहाँ तक बना के दिखाते हैं। यहाँ तक बनाने के बाद हम आपको ये वाला बताते हैं। तो हम आपको बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ तक बन गया है एंड आपको हम यहाँ का बताते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो स्लिप स्टिच बनाई थी, यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और स्लिप स्टिच में हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो अब हम यहाँ पे ये जो हमने चेन ली थी, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे एंड फिर इसे फटाफट हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही इजीली है एंड हार्ट वाला बहुत ही खूबसूरत लगता है मेज पोस्ट। तो इसे हम बना लेंगे। अब हम यहाँ वाले चेन पे
फ्रेंड्स इस पे एक फ्लावर लगेगा जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। उस वीडियो का आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पे ये वाला जो चेन था यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया अब हम ये जो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाई थी यहाँ पे फिर से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। जो हमने यहाँ पे 3 चेन लिया था वहाँ के स्लिप स्टिच में हम बनाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे भी हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पे इस चेन में यहाँ पे ये 5 चेन था तो हम चौथे तीसरे वाले चेन में से इस तरीके से स्लिप स्टिच और फिर हम यहाँ पे 3 चेन और यहाँ पे हम फिर से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए, अब ये जो हमारा सेंटर का चेन था स्लिप स्टिच था वहाँ पे हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, और 3 चेन और 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब हम ये तीसरे वाले चेन में इसे ज्वाइन कर देंगे, स्लिप स्टिच बना लेंगे। एंड हमने जैसे ये वाला इधर से बनाया है सेम प्रोसेस इधर भी करना है, तो हम आपको यहाँ भी कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हार्ट शेप बनके रेडी हो चुका है। इस पर हम ये फ्लावर अटैच करेंगे। ये फ्लावर थोड़ा बड़ा है तो इस फ्लावर को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखिए, और ये इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमें लाइक करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।